at Akar Charitable Trust have been dedicated to providing water to the parched and thirsty regions of our country for the past 20 years. By divine grace, we have succeeded in constructing 608 rainwater harvesting structures called check dams till August 22 in the most water deficient areas such as Rajasthan, Bundelkhand, Maharashtra, and a few sprinkled in other states as well. This has transformed the lives of 11 lakh people in 757 villages who are now earning a net income of almost 2,000 crores. Thus, those who were subsisting below the poverty line are now prosperous, healthful, and joyful beyond their wildest imaginations. Our model believes in making the villagers participate at every step of their project. Also, they have to contribute 30% towards the total cost of the construction, and because of this, they do their utmost to maintain their check dam, which in turn serves them for generations to come. The words which our teammates use to motivate the farmers can be summed up thus: Lo haatho mein haath lo, ek dusre ka saath do, is dharti ka soya bhagya jagayenge, maru dhara ko phir se swarg banayenge. Dhoond sako to is maati mein sona hai, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है. इस जीवन को सांस दो, मौन नहीं आवाज दो, सन्नाटों के हम सरगम बन जाएंगे, मरुधरा को फिर से स्वर्ग बनाएंगे. Here is a short clip of what the villagers have to say about our work. धन्यवाद. पौधे दिखाई दे रहे हैं, इससे पूरी ये जमीन जाने की बंजर, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है. अभी 2-5 सालों के अंदर इसमें जैसे जैसे बरसात होगी, मिट्टी आ जाएगी, पूरा ये समतल हो जाएगा और इसके अंदर पैदावार होने लग जाएगी, तो ये सारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी. अभी इसको हम बंजर के रूप में देख रहे हैं. पानी इसमें रहेगा तो इसमें ट्यूबवेल भी हो जाएगी ना. आप देख लो, कहीं भी पानी नहीं जाएंगे. अच्छा, अब पानी के लिए पानी नहीं है, पानी के लिए भी वहां से जाते हैं. आप देख रहा था, ऊंडा से पानी वहां से पीने पानी वहां से आता है. पानी कोई ट्यूबवेल नहीं है, कोई और नहीं है. 12 महीना, 1 साल बाद में पानी हो जाएगा यहाँ. इस चेक डैम के बनने से कितने परिवारों को लाभ होगा, जो नीचे जो और बसे हुए हैं, कितने परिवार होंगे लगभग? आधी 5,000 थे कम से कम. ऐसे नीचे नीचे लोग तो यहाँ से डूंगर तक जाए, बसावटी थे, आदमी थे, उन्हें सबने फायदा मिलेगा. पॉपुलेशन 5,000 की पॉपुलेशन, जीवन गुजारा हो जाएगा लगभग 500 परिवार मानो, सबको फायदा मिलेगा इस चीज से. जो ये एनीकट बना था ना, शुरू से बनने लगा, उसी से हम आप रोटी पे रोटी ना, कई शर्मदार मजदूरी करे थे. अच्छा, मतलब बहन जी का आभार, ये यहाँ के वासी है ना, वो कभी भुला नहीं पाएंगे. नहीं, जो आपकी यूनिट है ना, उसका भी हम साथ साथ, आपके साथ साथ उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे बड़ी बात बहन जी, आपकी यूनिट में जो है, हम आज एक नए हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं, हम पुराने हिंदुस्तान चले जाते हैं. वास्तव में जो आज भ्रष्टाचार है, बड़ी चरम सीमा पर है, लेकिन आपकी जो संस्था है, जिस ईमानदारी से, जिस तत्परता से काम करती है ना, तो हमें वो पुराना हिंदुस्तान याद आ जाता है कि हाँ, आप भी, हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं और आप भी जीने के लिए लायक लोग हैं. बहन जी, आपकी किन शब्दों में तारीफ करें? इस उम्र में आप जिस तरह से नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं ना, तो इससे देखने को सब समझ रहे हैं आप कितनी मन में लगाव है हम गरीबों के प्रति, इनका कितना वो हौसला है, जो कुछ नए जीने की मतलब एक आशा प्रकट होती है.